हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे जहां पर वो स्टॉक्स काफी नीचे आ गए हैं और अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तो वो शेयर यहां से ऊपर भागने वाले हैं जो चार्ट पैटर्न उन्हें कंप्लीट करना था ओके वो एक या तो रेजिस्टेंस पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर जो चार्ट पैटर्न उन्होंने कंप्लीट किया उसके बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं तो क्या कौन सा शेयर है उनका नाम आपको पता ही चल गई है गोदरेज प्रॉपर्टी एक शेयर है और दूसरा ASRL, ए एस आर एल एड शॉप ई डिटेल शेयर है ओके इससे पहले ही बताया था वहां अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बुक किया था अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी है ओके बाय डिप्स करने की मैं इसमें दो दिन से कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर बात करू दोनों शेयर एक आज की डेट में मैंने यहाँ पर खरीदे तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी में करिए ओके okay? और जितना हो सके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए सीखिए सीखने के कोई पैसे नहीं देने सिंपल यहाँ पर वीडियोस जाके देखनी है सीखनी है यहाँ पर देखिए एक वीडियो है दोनों ने बनाइए पर इन दो पर्टिकुलर शेयर में दो शेयर में हिस्सेदारी बढ़ाई है जाके यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीस रुपए वाले शेयर है जहां पर बहुत टाइम से वीडियो बना रहा था कि पैसे भागेंगे भागेंगे पैसा बनेंगे तीन तीन शेयर पर बताया एक चालीस रुपए का तो जाके वीडियो को देखिए क्या करना है क्या नहीं करना समझ में आ जाएगा बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन और जितना हो सके सपोर्ट करिए आपके आपके आप बहुत मेहनत से आपके लिए शेयर हैं ताकि जब भी वीडियो डाले वीडियो मिले और यहाँ पर नंबर यह यह दे रखा है ये नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते तो हम जिस स्टॉक से रिलेटेड सबसे पहले बात करने वाले हैं उसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टी गोदरेज प्रॉपर्टी पर देखिए अच्छा खासा भागा था उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट हो गई है ओके और इस गिरावट में हमें यह शेयर को खरीदना चाहिए बेचना चाहिए उससे रिलेटेड हम यहाँ पर अपनी राय बताएंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शेयर कितना परसेंट लगभग लगभग लग 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 यहाँ पर अगर, अगर मैं दिखाऊँ तो चालीस के आसपास ये शेयर यहाँ पर क्रैश हो चुका है और अगर आप यहाँ पर इस शेयर को आप खरीदते हो तो ये शेयर आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छे खासे पैसे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर लेवल पे से अगर ऊपर जाते हैं तो लगभग पैंसठ परसेंट के रिटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आरएसआई की बात करें तो चौतीस की आर एस आई पे ये शेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए पच्चीस सौ लगभग छब्बीस सौ रुपए तक शेयर के ऊपर गया उसके तो बाद पंद्रह सौ रुपए पे यहाँ पर आ, आता हुआ दिखाई दिया बारह सौ रुपये इसने छह मई को लगाया था उसी लेवल पे आता हुआ दिखाई दिया शेयर लग रहा था कि इतने नीचे आएगा बट जो बैड न्यूज थी वो खत्म होती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आज की डेट में लगभग तीस परसेंट के शेयर लगभग सोलह लाख सैंतीस हजार शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाते हुए यहाँ पर दिखाई दिए कंपनी की बात करें गोदरेज प्रॉपर्टी एक नामी ग्रामीण शेयर है एक बड़ा नाम है और जब इस तरीके के बड़े तो तो गोदरेज प्रॉपर्टी की तो गोदरेज प्रॉपर्टी शेयर गिर क्यों रहा था वो सबको आपको पता ही होगा क्यों गिर रहा था क्या रीजन था तो यहाँ पर आप गूगल पे भी चले जाएंगे तो यहाँ पर हजारों न्यूज आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगी कि क्या होता हुआ दिखाई दे सो सिक्स परसेंट एज फर्म्स कॉल ऑफ डी बी रियलिटी डील्स तो मामला इन्होंने डीबी रियलिटी में यहाँ पर साढ़े चार सौ करोड़ रुपए आई थिंक यहाँ पर uh, कुछ डील यहाँ पर करते हुए दिखाई दी थी जो लोगों को पसंद नहीं आई कि साढ़े चार सौ करोड़ रुपए क्यों देने हैं बेफालतू में ऐसी कंपनी में जो कि यहाँ पर बहुत सारी केसेस से यहाँ पर लिप्त तो है तो ऐसी कंपनी में क्यों पैसे डालने हैं तो डीबी रियलिटी तो भाग रहा था बट यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी के शेयर के लग गए थे और वो यहाँ पर अच्छा खासा गिर गया था और उसी अभी भी यहाँ पर उस लेवल पे यहाँ पर रिकवर नहीं हुआ है बस पर ही रहा है और कह रहा है कि मुझे खरीदो मुझे खरीदो ताकि ये आपके पैसों को अच्छा तरीके से यहाँ पर बढ़ा के दे सके तो यही न्यूज थी ओके यहाँ पर इन्होंने कॉल ऑफ कर लिया है इन्होंने कह दिया ठीक है वो डील को उन्होंने कैंसिल कर दिया अब न्यूज थी जिसकी वजह से गिरा था वो तो यहाँ पर हो गया बट उसे अब ऊपर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा देखिए यहाँ पर एक गिरावट हुई थी छह परसेंट की होती हुई दिखाई दी थी तो गोदरेज प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं गोदरेज प्रॉपर्टी को यहाँ पर ले आता हूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा देखिए एक गोदरेज प्रॉपर्टी आप मुंबई में रहेंगे या कहीं भी रहेंगे कि आपको प्रॉपर्टीज दिखेगी एक बड़ा नाम दिखेगा एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब जोर दिया जा रहा है यहाँ पर लोग बड़े वर्क फ्रॉम होम की वजह से बड़े बड़े घर खरीद रहे हैं ओके यहाँ पर लोग अः अच्छे पैसे लोगों ने कमाई है मार्केट से एज वेल एज यहाँ पर अच्छी सैलरी भी उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है तो अच्छा खासा पैसा लोगों की सैलरी बढ़ती हुई नजर आ रही है तो गोदरेज प्रॉपर्टी मतलब अलग अलग शेयर यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ नजरें बना सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने वाला शेयर और यहाँ पर बात करें तो एक लार्ज कैप शेयर नजर आता है तैतालीस हजार करोड़ का यहाँ पर शेयर मार्केट कैप है फिफ्टी का यहाँ पर डेट भी है और यहाँ पर बात करें इस शेयर की तो छब्बीस सौ से यहाँ पर क्रैश होकर लगभग सोलह सौ रुपए के आसपास चल रहा है आज की डेट ऑलरेडी बाइंग कर चुका हूँ तो इस चीज को डिस्क्लेमर के, के रूप में लेना देखिए किसी भी शर्त से पहले यहाँ पर चार्ट पैटर्न को जरूर देखिए जब भी ऐसा चार्ट पैटर्न आपको दिखेगी ऊपर की तरफ जाता है तो मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ दम है ओके okay, देखिए कंपनी कंसोलिडेट कर सकती है

छह सात क्वार्टर की तो हाईएस्ट हाएस्टर यहाँ पर सेल्स यह आती हुई दिखाई दी है और इसके अगेंस्ट में अगर प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेट नंबर है और यह तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनके नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो भी हम थोड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर अदर इनकम से यहाँ पर ज्यादा पैसे आते हुए दिखाई देते हैं एक्सपेंसिस कंपनी के ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बात कि गोदरेज प्रॉपर्टी ने कह दिया है कि हाँ हम इस बार के जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो बेहतरीन नजर आएंगे जब इस तरीके की कमिटमेंट उन कंपनी ने कर दी है ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है तो ऑब्वियस ऑब्ही बात है जब ऐसा मौका मिले कि इस तरीके से शेयर क्रैश हो जाए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है ओके तब ऐसे शेयर में स्टॉक मार्केट में रिस्क तो रहती है बट यहाँ पर ऐसे शेयर जब बड़े शेयर गिरते हुए नजर आए तो हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं इसके अलावा एक कंसिस्टेंट ग्रोथ थी इसके बाद साइड बाई शेयर चला और यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ये शेयर अभी

कैश भी अच्छा खासा है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है जो कि यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 58 परसेंट के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स का एज इट इज बने हुए हैं यहाँ पर डीएस की थोड़ी सी होल्डिंग कम होती हुई नजर आई है एफआईस uh, की होल्डिंग और डीआईस की होल्डिंग भी थोड़ी सी कम हुई है पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर कम होती है यहाँ पर भी अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है तो एफ बताने का मत, मकसद क्या है बताने का मकसद ये है कि इस तरीके की कमिटमेंट और जो कि इनके प्रमोटर्स ने कहा कराए की ये और जो ये डील थी उसकी वजह से जो शेयर गिरा था वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है तो ऐसे में रियलिटी शेयर ऑलरेडी तो भाग रहे हैं काफी सालों बाद यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे में जब शेयर यहाँ पर गिर गया तो ऐसे में आपको एक अपॉर्चुनिटी बनती है ऐसे शेयर को खरीदने की जबकि लगभग चालीस शेयर गिर चुका है तो यहां पर आप खरीदते हैं तो यहां पर शॉर्ट

तो उसका नाम है ए एस आर एल एस यहाँ पर नीचे चल रहा था उस मैंने पर आपको रिकमेंड किया था उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर रैली होती हुई दिखाई दी यहाँ पर फिर उसके बाद शेयर यहाँ पर आ, उस टाइम अभी ये स्प्लिट हो चुका है इससे पहले इस बोनस दिया था इस कंपनी ने उसके बाद ये भागा था भागने का दोबारा गिरता हुआ नजर आ रहा है और एक अच्छे खासे लेवल पर अगर मैं यहाँ पर देखू तो आपको दिखाना चाहता हूँ हाँ शेयर इससे ज्यादा आज भी ये शेयर गिरता नहीं ओके इसे गिराया गया है ओके जस्ट बिकॉज यहाँ पर पूरी मार्केट क्रैश होती हुई दिखाई दी जब तो मार्केट क्रैश हुई तो ये शेयर यहाँ पर नीचे आ गया और फिर भी लोअर सर्किट यहाँ पर देखिए अभी भी नहीं लगा इसमें एक सौ चौतीस वन थर्टी फोर पॉइंट का यहाँ पर लोअर सर्किट था लगा ऊपर खुल गया तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा तो है एकदम आते हुए मार्जिन में थोड़ा सा गिरावट हुई है बट कंपनी का स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है तो थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं आरो सी आर ओ यहाँ पर काफी बेहतरीन है कंपनी की लगभग छब्बीस परसेंट का ही डेट है ज्यादा डेट नहीं और इंडस्ट्री का पी इकतालीस है और इसका पी पंद्रह है तो कंपनी यहाँ पर सस्ते में आपको मिलती हुई नजर आ रही है और दो

नंबर भी बात करें ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के नंबर है यहाँ पर हाईएस्ट है थे बट थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर ईयरली ईयरली बेसिस पे और एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है सॉरी लास्ट टाइम मैंने गलत बोल दिया था सेल्स देखिए कंपनी की सेल्स लगातार दो हजार से बढ़ती हुई नजर आ रही है और पिछले बारह महीने माँ, में एक करोड़ की सेल्स नेट प्रॉफिट जो जीरो करोड़ था वो सत्रह करोड़ तो कंपनी यहाँ पर लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में जब शेयर नीचे आ रहा है तो मुझे लगता है आपको बाइंग करनी चाहिए बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी बॉयिंग यहाँ पर सात करोड़ की है सत्रह करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास और कंपनी यहाँ पर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इस तरीके के प्रोडक्ट्स में काम करती हुई दिखाई देती है और अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग सिक्सटी की है एज इट इज बनी हुई है

मैंने यहाँ पर बाइंग की है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, ओके चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है ओके और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तीन महीने में तो ये अगले अगले क्वार्टर के रिजल्ट से पहले ये शेयर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि यहास पर लगभग के रिटर्न इजीली बनते हुए दिखाई देते हैं हमारा टारगेट अचीव हो गया और जब भी बेचिए फिर खरीदिए बेचिए खरीदिए यही यहाँ पर मार्केट में काम है तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनशियर एडवाइजर खुद की स्टडी करें इन्वेस्ट फोर अवर को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट करें दूसरी वीडियो को जाके देखिए और पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस